पहला कदम सीजन थ्री में आप सभी का स्वागत है और हम आप पहुंचे हैं अहमदाबाद साबरमती के रिवर फ्रंट के इस खूबसूरत एम्फी थिएटर में अहमदाबाद के निवेशकों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। केम छो अहमदाबाद साहब? बाजार 10% नहीं घटी होने तमारो आवाज नहीं आवत पाछू कहिए केम छो अहमदाबाद? जो बाजार में रूपया कमावा हो तो हिम्मत राखवी पड़े, आटलू थोड़ू घणु बाजार घटे एटले तमारो आवाज दबाई ना जावो जोईए। चलिए सिलसिला शुरू करेंगे चर्चा का। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है, पहले उनका परिचय करा दें। अरुण ठुकराल एमडी और सीईओ एक्सिस सिक्योरिटीज के, जिनसे आप सभी परिचित हैं, और साथ ही रजत चट्टोपाध्याय एसबीआई म्यूचुअल फंड के वेस्टर्न जोन के हेड हैं, और ये अहमदाबाद के दर्शकों के सारे सवालों के आज जवाब देंगे। लेकिन कुछ सवाल जो मेरे हैं, और चूंकि हम पहला कदम की बात करते हैं तो पहला सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। 2018 फिर हम जनवरी फरवरी में हैं, 10 साल पहले 2008 में कुछ ऐसी बड़ी गिरावट दुनिया के बाजारों में आई थी और हमारे ऊपर असर पड़ा था। सब लोग सबसे पहला तो ये पूछ रहे हैं कि 10 साल बाद वो कहानी रिपीट तो नहीं हो रही ना? 2008 में एक बहुत बड़ा गिरावट आया था, कुछ 60% तक का गिरावट आया था, लेकिन 2009 में 70 से 80% का बढ़ोतरी आया था। तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी बड़ा गिरावट आता है तो अगर आप बने रहें और अगर कुछ और पैसा डालें, जैसे कि हम बोलते हैं ना सेल लगता है, तो आप ज़्यादा खरीदते हैं। अगर आज को वैन हुसैन का या किसी एलन सोली का सेल लगता है तो हम एक की जगह दो ट्राउजर खरीदते हैं। तो पहले तो ये सोच के चलना है कि अगर सेल लगता है तो ये अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर को थोड़ा सावधान होना है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए हमेशा अच्छी बात होती है कि बाजार गिरे। लेकिन अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, तो हमें वो चिंता नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि अभी हालात वैसे नहीं है। भारत बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ ग्लोबल काफी सारी चिंताएं हैं छोटी छोटी जो हमें रोज देखने को मिलती हैं, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और दिक्कत ऐसी है कि अपने लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी ने तो पिकअप करना शुरू किया है। मतलब आमतौर पर बाजार में जो एनालॉजी दी जाती है कि टेस्ट मैच का कौन सा दिन है, तो अपने यहाँ तो टेस्ट मैच का दूसरा दिन है, लेकिन यूएस में लगता है कि वो चौथा या पांचवा दिन शायद आ गया है। तो ये हो सकता है कि वहां पे थोड़ी शायद आगे रुकावट आए, वहां पे जो परफॉर्मेंस चल रही है वो रफ्तार आगे देखने को ना मिले। देखिए ये हो भी सकता है, लेकिन अभी अगर आपने देखा है पिछले एक दो सालों में तो यूएस अच्छा कर रहा है। अगर यूएस अच्छा कर रहा है, यूरोप अच्छा कर रहा है, जापान अच्छा कर रहा है, आगे जाके यूएस अच्छा करे या ना करे, हमें पहले खुद को देखना है। इंडिया जो है प्राइमरीली कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। जो इंडिया का अभी भारत की जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम अभी $2,000 से थोड़ा कम है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर $2,000 जब क्रॉस होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास खाने का, आपके पास रहने की जगह है, खाने के लिए अनाज है और रहने का जगह है और पहनने के लिए कपड़ा है, तो जो फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड है, जो हम बोलते हैं कि आज डोमिनोज का पिज्जा सब खा रहे हैं, तो एक कंपनी है जो जुबिलियंट जो आपने सुना होगा उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कई गुना बढ़ता है। अगर हम कंजम्पशन ड्रिवर इकोनॉमी है तो हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यूएस 20 साल या 25 साल पहले जहां पे था, हम अब वहां पे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी हमारी 2 ट्रिलियन है, वो अगले 8-10 सालों में जो हम सुनने को आ रहा है वो 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी। 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जाएगी। तो अगर हम उस फेज में हैं तो अभी हमारा तो ग्रोथ शुरू हुआ है, और डेमोग्राफिकली हम बहुत एडवांटेज में है। 65% ऑफ अवर पीपल आर बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो अगले कई सालों तक प्रोडक्टिव रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो अभी तो हम क्रेडिट कार्ड पे खर्च करना सीख रहे हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत है। चलिए, लेकिन ये जो पूरी तेजी हुई है रजत जी, साफ तौर पर इसका श्रेय आपको जाएगा, आपको यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। इतना पैसा इतने बड़े पैमाने पे देश के लोगों ने म्यूचुअल फंड्स को कभी नहीं दिया था जो आज दे रहे हैं। इस वक्त इस लेवल पर आप क्या कहते हैं उन नए निवेशकों से जो अब आ रहे हैं, या उन निवेशकों से जो अपनी एसआईपी लगातार आपको देते जा रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी का जो पीक था, इट वॉज 11,171। फ्रॉम देयर द मार्केट्स हैव करेक्टेड। वहां से मार्केट करेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट लाइक 6%। तो मैं तो बोलूँगा कि जो जो आज जो सेविंग्स जो इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में आ रही है, उसका एक कारण है कि आपके एफडी रेट्स नीचे हैं। दूसरा कारण है कि आपका रियल एस्टेट इज नॉट एट ऑल लिक्रेटिव एज ऑफ नाउ। तो जितना डिप होता है मार्केट्स में,
मेरे हिसाब से कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आज अगर आप SIP बुक साइज देखिए, दो साल पहले इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 3000 करोड़ महीने में आती थी, आज वो 6000 करोड़ हो गई. सो द सेकेंड जो चीज़ है कि इन्वेस्टर्स भी काफ़ी मैच्योर हो गए. ये नहीं कि उन लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचते हैं. आज की तारीख में इन्वेस्टर्स आर वांटिंग टू टेक लॉन्ग टर्म कॉल्स. मेरे हिसाब से एट एवरी डिप ऑफ से निफ्टी 200 पॉइंट एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स लोग को करना चाहिए. ठुकरा साहब सहमत हैं आप? क्योंकि जब लंबी तेजी मंदी की बात आती है तो इस लेवल पे 1000-2000 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं है. किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं? क्योंकि दिक्कत क्या होगी, आप अभी आपने कहा कि थोड़ा नीचे आए तो पैसे लगाइए, किसी ने FD तोड़ के लगा दिए, अब वहां से भी जब 500-1000 पॉइंट नीचे आया तो फिर वो कहेंगे यार ये तो गलती होगी. आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये प्रॉब्लम आमतौर पे काफी सारे निवेशकों का होता है कि जब मार्केट गिरता है वो सब फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं और थोड़ा सा अगर रखा भी होता है तो पहली गिरावट में ही सारा पैसा डाल देते हैं. तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब मार्केट अच्छा था, 2017 बहुत अच्छा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके, या अगर आपने कुछ टारगेट के हिसाब से था और आपका वो गोल हो गया तो कहीं ना कहीं आप उसको अपने पास रख के फिर जो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एक म्यूचुअल फंड में एक आपको एक सुविधा दी जाती है, आप मंथली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड फंड, फ्रॉम डेट फंड और अभी बैलेंस फंड. ये बहुत सारी चीजें जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हमको दी हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन कर सकते हैं. और जब मार्केट एकदम हाई पे होता है, जैसे हम सबको बोल रहे थे जनवरी में कि अभी आप बैलेंस फंड की तरफ चले जाइए, अभी हम जो फ्रेश सरप्लस है उसको आप लिक्विड फंड में डाल के उससे आप STP करिए, और कुछ लोगों ने ऐसा किया और वो लोग अभी बेनिफिट उठा रहे हैं उसका. इस साल कौन सी वो खास चीजें हैं जिस पर हमको नजर रखनी चाहिए, कहां कहां और कैसे मौके मिल सकते हैं? इस सवाल का जवाब लेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट पहला कदम सीजन 3 में आपका स्वागत है एक बार फिर. और हम अहमदाबाद में हैं आज साबरमती के रिवर फ्रंट पे, अहमदाबाद के निवेशकों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. उसके पहले अपने एक्सपर्ट से जो हम बात कर रहे थे, इस साल क्या वो खास चीजें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका में जब रेट बढ़ने शुरू होंगे वहां के बॉन्ड मार्केट को पहले ही अंदाजा लग गया है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं. रोज हम सुनते हैं सुबह सुबह सारे चैनल पे हमारे दर्शक सुनते हैं कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स आज इतने बढ़ गए और इसकी वजह से डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिर गया. ये क्या चक्कर है? देखिए बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो मतलब डेट में रिटर्न अच्छा मिल रहा है आपको. अगर 3-4% का रिटर्न अगर वहां दिखना लग जाएगा तो ऑब्वियसली जो इक्विटी मार्केट है वो थोड़े घबराएंगे. कहीं भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, यहां भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इक्विटी गिरता है. तो इक्विटी का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इक्विटी हैज टू कम डाउन. बट सबसे बड़ी जो बात देखने वाली यह है कि अगर US अच्छा करेगा, अच्छा कर रहा है तो मार्केट क्यों गिर रहा है, यही सवाल सब आता है. लेकिन अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो हमें यह भी सोचना है कि अगर US अच्छा करेगा तो जो इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कि IT कंपनीज हैं जो अभी तक अच्छा नहीं कर रही थी, तो उनका स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इंडियन IT कंपनी जो वापस अच्छा करना शुरू करेंगी. और हमने देखा है कि कुछ दिनों से IT शेयर थोड़ा अच्छा कर रहे हैं. तो अगर ग्लोबल ग्रोथ होगी तो एमर्जिंग मार्केट की तरफ पैसा थोड़ा कम आएगा, ऐसा लोगों को लगता है. लेकिन क्योंकि हम सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो वो जो पाई है उसका एक बड़ा शेयर इंडिया को फिर भी मिलेगा. बिकॉज मनी विल चेज ग्रोथ. अगर उन्होंने बाहर पैसा डालना है तो इंडिया ही ऐसी एक जगह है जहां पे पैसा उनको लगता है कि बढ़ेगा, तो इंडिया को फ्लोज मिलते रहेंगे. लेकिन रजत, अपने देश में भी क्या ब्याज दरें बढ़ सकती हैं? अभी जो पॉलिसी आई उससे तो ऐसा अंदाजा नहीं लगा कि RBI बहुत हॉकिश होना चाहता है, बहुत जल्दी में रेट बढ़ाएगा. लेकिन जो आप बात कर रहे थे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, अगले 12 महीने के लिए क्या व्यू है आपका? सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये जानना जरूरी है कि फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसका एक फंडामेंटल रूल है म्यूचुअल फंड में कि अगर यील्ड्स अगर ऊपर जाती है तो प्राइस नीचे गिरती है. दिस इज इन्वेस्टर रिलेटेड. तो अगर आपको, अगर श्योर शॉट आपको पता है कि यहाँ से यील्ड्स ऊपर जाना है तो फिर आपका प्राइस गिरेगा वो बॉन्ड का, और प्राइस गिरेगा तो आपका NAV गिरेगा, और NAV अगर गिरेगा तो आपका रिटर्न गिरेगा. उसके कारण ये है, एक तो उसका कारण है कि यील्ड्स कब ऊपर जाते हैं, जब आपका क्रूड प्राइस ऊपर जाता है,
उसके चक्कर में आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, फिस्कल डेफिसिट प्रेशर आता है, इंटरेस्ट रेट पर प्रेशर आता है. सो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स या वन ईयर के हिसाब से अगर देखें, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में भी 25 बेसिस का शायद इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है. देखिए इनफैक्ट ये ब्याज दरों की जो चर्चा चल रही है उसमें मेरा ये मानना है कि इस साल आपको कछुए और खरगोश वाली कहानी याद है ना, तो वो रेस होने वाली है दो चीज के बीच में. दो चीज क्या है, एक है ग्रोथ जो पिकअप कर रही है इंडिया में, अमेरिका में काफी आ चुकी है, लेकिन वो है कछुआ, उसने धीरे 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 अब स्पीड पकड़ी है. और इन्फ्लेशन जो है वो खरगोश है, वो बहुत टाइम से आराम कर रहा था, पता नहीं था कहीं पे इन्फ्लेशन नहीं दिख रही थी, 2018 में वापस आएगी ऐसा सबको लगता है. और वो कब आएगी और किस रफ्तार से आएगी और उसकी वजह से कितना पैनिक होगा बाजार में ये अंदाजा नहीं है, तो आप उस पर जरूर नजर रखिएगा. तो ये जो बॉन्ड यील्ड की बार बार बात करते ना, वो बॉन्ड यील्ड इसी इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है और उस हिसाब से चल रहा है. और अमेरिका में इनफैक्ट पिछले 30 साल में लगातार इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड यील्ड्स नीचे जा रहे थे, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि वो डाउन ट्रेंड अब ब्रेक हो चुका है और रिवर्सल ऊपर की तरफ आया है. इसलिए ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. तो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड पर या अपने देश में भी बॉन्ड यील्ड पर और इंटरेस्ट रेट पर नजर जरूर रखिएगा और इन्फ्लेशन के आंकड़ों को आप क्लोजली वॉच कीजिएगा. बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकता है. इसलिए क्या हो रहा था कि जो अभी जो उनका लास्ट कमेंट्री आया, हमको लग रहा था इंडिया में कि शायद इस साल दो बार इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, उन्होंने तीन बोला था लेकिन लोगों को लग रहा था शायद दो होगा, लेकिन ये कमेंट्री सुनने के बाद और ये इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से अब शायद चार बार होगा, ऐसा लोग डर गए हैं, इसीलिए ये मार्केट जोर से गिरा था. बिल्कुल, ये पैनिक कभी भी कहीं भी हो सकता है. अच्छा, एक और बात हमने देखी थी कि इवन वॉरेन बफेट जैसे लोग जो प्योर वैल्यू इन्वेस्टर बिल्कुल किसी भी कंपनी में और बाजार का वैल्यूएशन देखकर पैसे लगाने वाले, वो भी ये कहने लगे थे 2017 में कि चूंकि ब्याज दरें बहुत कम हैं और इसी लेवल पर बनी रहेंगी, इसलिए ये जो आज आपका पी चल रहा है जो कभी नहीं हुआ, जो स्टॉक कभी 30 के पी से ऊपर नहीं गए वो आज 50 के पी पे चल रहे हैं, वो जस्टिफाइड है क्योंकि ब्याज दरें नहीं बढ़ रही. लेकिन अगर कहीं ब्याज दरें बढ़ी तो फिर ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ग्रोथ की वजह से ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, और सामने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो पी नीचे आएगा, तो आपका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय पी. तो पी कम होने वाला है, रिटर्न बढ़ने वाला है, अर्निंग्स बढ़ने वाली है, इन दोनों का एंड रिजल्ट, इन दोनों में से कौन जीतेगा, कछुआ या खरगोश, ये थोड़ा देखने वाली बात रहेगी. इसलिए 2018 का साल इंटरेस्टिंग जरूर होगा. और ये जो इन्फ्लेशन की बात अभी आप लोग कर रहे थे क्रूड की वजह से, अभी देखिए क्रूड बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स ने जानबूझकर, जो ये ओपेक कंट्रीज हैं और जो रशिया, वेनेजुएला और दूसरे तमाम लोग हैं, इन लोगों ने प्रोडक्शन कम कर दिया. इनके पास तेल है, निकालने की कैपेसिटी है, लेकिन तय कर दिया कि इतना ही निकालेंगे, इससे ऊपर निकालेंगे ही नहीं, तो ये तो आर्टिफिशियल है ना. हाँ, और थोड़ी अच्छी न्यूज इसमें यह है कि इन्होंने तो दिसंबर 18 तक ये कट अनाउंस किए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों में क्रूड नीचे आया थोड़ा सा. उसका एक रीजन है, एक तो यूएस में जो क्रूड प्रोडक्शन, जो शेल गैस जिसे बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा है, उनका 9.5 मिलियन बैरल पर डे से अभी 10 मिलियन बैरल पर डे हो गया है, और वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है आफ्टर रशिया. दूसरा चीज, अभी यूएस में जो है वो विंटर खत्म होने वाली है, फरवरी में विंटर खत्म होना शुरू हो जाती है, तो उनका जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा, और उनके जो वहां पे रिक्स थे वो पहले 360 कुछ रिक्स थे, अभी 750 रिक्स पे काम हो रहा है, तो मतलब और तेल आने की उम्मीद है और शेल गैस आने की उम्मीद है. तो ये सब फैक्टर अगर हम देखें, और ऑलरेडी जो क्रूड है वो 70 से घट के 63 के आसपास आ गया है, तो अगर ये पॉजिटिव आया तो हमें थोड़ी शांति है कि हमारा इन्फ्लेशन भी इंडिया में थोड़ा काबू में आएगा. अब ये कमोडिटी की जो तेजी है उसमें क्या लगता है आपको, दुनिया में ग्रोथ आ रही है तो ये भी आगे चलेगा? देखिए, काफी बड़ा रैली इसमें हो चुका है, जैसे आपने बोला, चाहे आप ग्रेफाइट बोले या HEG बोले या रेन बोले, ये बहुत सारे ऑलरेडी, क्योंकि चाइना ने जो ये पोल्यूशन की वजह से ये प्रोडक्शन कट्स जो किए, तो ये काफी बड़ा रैली अगर आ चुका है तो अभी उसमें कितना जूस बाकी है ये देखने वाला है. जैसे मैं बोल रहा हूँ, 2017 का इतना बड़ा रिटर्न आने के बाद 2018 में यू हैव टू मैनेज एक्सपेक्टेशन, तो ऐसे ही इसमें भी है, कमोडिटी में डू वेल बट उतना बड़ा रैली का उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ वी आर न्यूट्रल, मे बी यू विल गेट अ रीजनेबल रिटर्न बट नॉट एक्सेप्शनल रिटर्न फ्रॉम हेयर ऑन. चलिए, सवाल जवाब पे जाएंगे, उसके पहले एक आखिरी सवाल मेरा है अरुण जी आपसे ही. पिछले 3 साल से मैं एक चीज देख रहा हूँ, हर साल जब जनवरी फरवरी होता है और हम एक्सपर्ट से पूछते हैं कि
क्या उम्मीद है आपको अगले साल से? तो कहते हैं 20% तक तो अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी, और जैसे जैसे हम दिवाली की तरफ आते हैं तो वो घट के 10 हो जाता है, आखिर में 5 बचता है। अभी भी आप देखिए बैंक्स, कुछ बड़े बड़े बैंक्स बड़े ही डिजास्टरस रिजल्ट दे रहे हैं। अर्निंग्स बढ़ेगी वाकई में, ईपीएस बढ़ेगी इस साल? लेकिन अगर आपने सब रिजल्ट ध्यान से देखे हैं तो आई थिंक कुछ जगह तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हमें रिवर्सल मिला है कई सालों के बाद। हम 3-4 साल से बोल रहे थे कि अर्निंग नहीं आ रहा, लेकिन जब ये साल शुरू हुआ तो कुछ ऑटो कंपनीज में, कुछ बैंक्स ने भी, एफएमसीजी ने भी, कुछ मिड कैप आईटी ने भी, तो कुछ रिजल्ट अच्छे, सीमेंट ने भी, तो आई थिंक अर्निंग रिवर्सल तो हुआ है ऐसा मुझे लगता है। अगर हम इंडिविजुअली देखें कुछ 70% कंपनीज ने अपना एक्सपेक्टेशन बीट किया है, और H1 तो ऑब्वियसली बहुत खराब था, H2 का गाइडेंस भी अच्छा था, और ये जो अभी थर्ड क्वार्टर हमने रिजल्ट देखे हैं ये काफी अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो दो बड़े रिफॉर्म हुए GST और डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से तो ब्रेक लगा था, शायद अर्निंग रिवर्सल पहले हो सकता था। और जो GDP का भी पॉजिटिव इफेक्ट है वो अब आएंगे, अब एक साल होने वाला है, तो किसी भी कंट्री में जहां भी GST लगता है उसका जो इफेक्ट है वो 1-2 सालों के बाद आता है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है अर्निंग रिवर्सल कुछ हद तक हो गया है और अब यहां से गाड़ी अच्छा चलेगा। चलिए, तो अर्निंग्स की मदद इस साल मिलेगी ऐसी पूरी उम्मीद है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अहमदाबाद के दर्शकों के सवालों के जवाब। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 3 अहमदाबाद के दर्शकों के साथ, और हमारे साथ अहमदाबाद के दर्शक यहां साबरमती रिवर फ्रंट पर एम्फी थिएटर में मौजूद हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरा सवाल यह है कि विच इज द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट एंड एग्जिट इन द मार्केट एज पर योर एक्सपर्ट ओपिनियन? व्हेन यू हैव मनी आई थिंक, जब आपके पास पैसे हो, इफ यू हैव मनी। बिकॉज मैं जैसे बोलता हूँ, इंडिया में तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट लोग करते ही नहीं इक्विटी में, और अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सही समय है, क्योंकि अगर आज का देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में जो हमारी चिंताएं थी वो बहुत कम हो गई। आप अपने मैक्रोस देखिए, आप अपना जो कंट्री जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तेल का प्राइस पहले $150 था, $100 के ऊपर होता था, तो और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बट देन सेम लॉजिक वुड नॉट अप्लाई फॉर एग्जिट, नो? एग्जिट का एक छोटा सा रूल होता है, मैं बता देता हूं। सब लोग ये पूछते हैं कि एग्जिट का कोई जवाब नहीं देता है, सब बोलते हैं एंट्री तो करिए। एग्जिट आपको सिर्फ तब करना है, पहला, अगर आपने जिस गोल के लिए इन्वेस्ट किया है वो गोल सामने आ जाए। आपने बच्चे को बाहर भेजना था तो आपको पैसा चाहिए, आप भेज दीजिए, मतलब आपका कुछ इमरजेंसी आ जाए तब आपके लिए एग्जिट होता है। तीसरा, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे कुछ जो मेन मैंडेट था उसके अलावा कुछ करे, अगर वो कंपनी हवाई जहाज खरीदने लग जाती है, कंपनी कुछ और काम करती है लेकिन प्रमोटर कहता है मुझे हवाई जहाज खरीदना है। और चौथा, अगर उसके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो, तो ये 3-4 चीजें जो बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके अलावा आपको क्यों डिसइन्वेस्ट करना है? आप बने रहिए और आप अपना वेल्थ जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास करिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो। ये 2 सालों में म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा है, सबको पता है, तो म्यूचुअल फंड वाले कैसे सिलेक्ट करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है? क्या पैरामीटर्स है उनके? क्या प्लांट विजिट करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं, क्या टेक्निकल पे करते हैं? उसका जवाब सर मैं रजत जी से जानना चाहूंगा। काफी सारी चीजें हैं जो हमारे फंड मैनेजर या जो इन्वेस्टमेंट टीम है जो करती है। एक है जब कंपनी देखते हैं, उन लोग देखते हैं कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर फंड है फॉर एग्जांपल, उसमें हम डिसाइड करते कि मैं वही स्टॉक लूंगा जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर होगा, तो अगर 20% के ऊपर होगा तो दैट मीन्स मेरा फंड मैनेजर क्या देख रहा है कि वो देख रहा है कि क्वालिटी है, कंसिस्टेंट कंपनीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर जो बोल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले जो कंपनियां हैं, आपका फ्यूचर ग्रोथ, कि एक कंपनी है उसका फ्यूचर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर या 20% ग्रोथ देगा, वो कंपनी में कोई कॉम्पिटिटिव एज है कि नहीं। ना कॉम्पिटिटिव एज में क्या होता है कि उसका मार्केट शेयर क्या है, एक प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर क्या है, मोनोपोली है कि नहीं है, ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसा साहब ने बोला जुबिलेंट फूड एक कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी नीश काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ऐसे कंपनीज जब हम लोग फंड मैनेजर्स लोग विजिट भी करते हैं, जो कंपनियाज हैं उनके एनुअल मीटिंग्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट मीटिंग्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, वहाँ पे विजिट करते हैं, प्रमोटर्स को मिलते हैं, तो ये जो रिसर्च जो रेगुलरली जो फंड मैनेजर को करना होता है
या विजिट्स करनी होती है, तो वो हिसाब से इन लोग जो जितने भी यूनिवर्स में कंपनीज है उसको पहले आइडेंटिफाई करके डिसाइड करते कि ये इसमें से ये 100 कंपनी है जिसमें मेरे को पैसा डालना है, फिर उसको फर्दर और ये करते कि उसमें से मेरे को 30 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मतलब वो है कि जो अभी जो मार्केट पीक पर है तो वो टाइम पे जो एनएफओ आता है म्यूचुअल फंड में, तो वो पीक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें क्या होता है कि वो टाइम पे वो भाव कंपनियों का ज्यादा होता है, तो हम जो पैसा उसमें लगाएंगे तो ऊंचे भाव में वो लोग खरीदेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात। प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं वो मैं ठुकरा साहब इजाजत दे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा उसके पहले कि आप कुछ कहें। आपका बेटा है आपके साथ यहाँ पे? हाँ, तो आप इनको माइक दीजिए जरा। तो आप क्रिकेट मैच देखते हैं क्या? या कौन सा देखते हैं? 2020 वन डे टेस्ट मैच सभी देखता हूँ। सभी देखते हैं। तो 2020 वन डे और टेस्ट मैच में अगर आपको खेलना हो या आपको स्ट्रेटेजी बनानी हो टीम के लिए तो कुछ अंतर होता है क्या? या अंतर होता है। होता है ना। तो शेयर बाजार में अगर आप आ रहे हैं, आना चाहते हैं आज, तो आपने ये मूड बना लिया है कि आप क्या करेंगे? 2020 खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे कि वनडे खेलेंगे? 2020 खेलेंगे। क्या ट्रेडिंग करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे फुल्ली एग्री हूँ और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? ट्रेडिंग करके पैसा बन सकता है, लेकिन जिस दिन वो शेयर गिरे और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो ये मत सोचना कि अब तो लॉन्ग टर्म है। 2020 खेल रहे हो तो 2020 ही खेलेंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो निकल जाएंगे, दोबारा एंट्री लेंगे। हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल उन दर्शकों के आते हैं जो 2020 खेलने गए, गलत पड़े तो बोले अब तो टेस्ट मैच खेलेंगे तो फिर तो मुश्किल है भाई। तो ये एक सबसे जरूरी फॉर्मूला है, आप अगर ध्यान में रखेंगे इस लेवल पर भी एंट्री कीजिए या किसी भी लेवल पर एंट्री कीजिए, अगर आपको ये तय है कि ट्रेडिंग ही करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नुकसान नहीं होगा। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज में और जोड़ता हूँ, आपने बोला 2020 खेलना है, तो मैं इसको अपना एक योगा फिलॉसफी के हिसाब से समझाता हूँ लोगों को। मैं कहता हूं आपका फेवरेट है योगा। तो तीन तरह के गुण होते हैं, आपके पिताजी को पता होंगे, शायद आपको भी पता होंगे। पहला होता है तमस, दूसरा होता है रजस, और तीसरा होता है सत्व। तमस जो होता है वो एकदम लेजी आदमी होता है, उसको कुछ नहीं करना है। मतलब वो इन्वेस्टर के अगर देखा जाए तो उसका पैसा कहीं पड़ा है, उसका कहीं प्लॉट पड़ा है, उसका कहीं एफडी पड़ा है, उसको कुछ पता नहीं है। शेयर में भी बोलता है, किसी ने बोला डाल दो, किसी ने बोला प्लॉट ले लो, वो तमस होता है। दूसरा होता है रजस, जैसे कि आप हैं, उसको कुछ करना है और रोज करना है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप रजस हैं तो मैं रजस वाले लोगों को बोलता हूं कि आप टेक्निकल ट्रेडिंग सीखिए, क्योंकि आप रजस हैं, आप बाज नहीं आएंगे, आप बाजार खुलते ही बाजार में जाएंगे, तो कम से कम आप जो है टेक्निकल ट्रेडिंग सीख लीजिए। और तीसरा होता है सत्व, जो कि इन्वेस्टर होता है, जो हार्मोनी से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठ जाता है और कई सालों के बाद, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे एक दर्शक आके मुझसे बोले कि मैं HDFC खरीदा हुआ हूं और मैंने कोटक महिंद्रा जब फाइनेंस कम तब से खरीदा था, वो शायद यहीं बैठे होंगे कहीं, और मैंने आज तक नहीं बेचा है। तो तीनों तरह के लोग होते हैं, तो तमस तो बिल्कुल नहीं बनना है, रजस अगर बनना है तो टेक्निकल ट्रेडिंग सीखना है और कोशिश करना है कि धीरे धीरे सत्व की तरफ जाएं, एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करें, क्योंकि फाइनल पैसा जो है वो आपको सत्व में मिलेगा। बट कभी थोड़ा टाइम तक 2020 खेलिए आप, ट्रेडिंग से कमाइए और पैसे लगाइए। सारे बड़े बड़े जो लोग हैं बाजार में आज, जो लेजेंड्स माने जाते हैं ना, वो ऐसे ही आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे हम लोग शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट शेयर्स में ऐसा होता है कि जब पीक पर होता है तो वी कैन बुक द प्रॉफिट। सो सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें अच्छी सी वैल्यू मिल रही है तो उसमें प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करना चाहिए? आप जरूर कर सकते हैं कि प्रॉफिट करके आप फिर वापस लगाइए, बट क्वेश्चन ये आता है कि आप प्रॉफिट करके आप लगाओगे कहाँ पे? सेम म्यूचुअल फंड में, मतलब उसी में। जैसे ठकराल साहब ने जो बताया कि कोई गोल होगा तो आप पैसे निकालोगे, या कोई इमरजेंसी होगा तो आप पैसे निकालोगे। अगर आप यही पैसा अगर कंटिन्यू करें तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई SIP करते हो सपोज, एंड आप से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हर महीने लगाते हो SIP, ये आप 20 साल के लिए करते हो, ठीक है? 20 साल में यू कैन मेक अ रिटर्न ऑफ क्लोज टू, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। यही पैसा अगर आप 30 साल तक करें, शायद इसका वैल्यूएशन 3 करोड़ हो जाएगा।
आप समझे फॉर अ मोमेंट कि आपने पैसा लगाया और आपने निकाल दिया, ये जो जो कंपाउंडिंग जो है ना, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ये गोल, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग गोल अचीव नहीं करेंगे. राइट. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यू शुड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड. पैसे जरूरत हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ, आप जरूर निकालिए, आपका ही पैसा है, जरूर निकालिए. और पैसे लगाते तो हम निकालने के लिए हैं, जब अच्छा रिटर्न आए तब प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, उसका इस्तेमाल तो करेंगे, अब बाजार में तो रखने वाले हैं नहीं. लेकिन कुछ जो तरीके होते हैं कि आपने ये तय किया कि 1/3 लार्ज कैप फंड में लगाएंगे, 1/3 मिड कैप फंड में लगाएंगे और 1/3 पैसा आप डेट में लगाएंगे, तो आपने तीन तरफ बांट रखा है. अब मान लीजिए कि किसी एक तरफ बहुत रैली है, जैसे इस वक्त मिड कैप में आई है, तो अचानक आप अब देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने 1/3 रखा था मिड कैप, वो आधा हो गया, 50% मिड कैप हो गया है. तो आप उसको बुक करके थोड़ा डेट में डालिए, ताकि जब बाजार गिरे तो लेने के लिए फिर से इक्विटी में आने की जगह हो, थोड़ा चाहे तो लार्ज कैप में डालिए, या पूरा का पूरा डेट में डाल दीजिए अगर वो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम हो गया है. तो इस तरह से भी लोग बैलेंसिंग करते हैं, इनफैक्ट फंड मैनेजर्स भी इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं कि हमको अपना एवरेज एक्सपोजर इतना रखना है. तो ये यूजुअल तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो इसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सवालों के जवाब ब्रेक के उस पार. स्वागत है आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर. आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 3 और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है अहमदाबाद के दर्शकों के साथ. अभी जो लास्ट 2 ईयर से म्यूचुअल फंड में बैलेंस फंड्स में काफी इनफ्लो आया है, तो बैलेंस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा है काफी बैलेंस फंड्स में, तो उसका क्या रहेगा और आगे कैसे होगा? बैलेंस फंड में आप पैसे लगाना चाहते हैं? मेरा जैसे HDFC प्रूडेंस फंड में 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है एंड आई एम गेटिंग ए डिविडेंड ऑफ अराउंड 12,000 रुपीज एनुअली. ठीक है, तो अभी 10% डिविडेंड लगा है, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटने के बाद में आएगा या मुझे उस पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा? अभी ये जो बजट जो आई है, अभी बजट में अभी प्रोविजन आया है कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी में 10% लगेगा. अगर आप 3 साल पहले अगर आप देखोगे तो सरकार ने ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डेट फंड में लाया था ऑफ 28.34%. तो जब वो 3 साल पहले जब वो डेट फंड से लाया था, तब से हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार अभी कुछ इक्विटी में जरूर करेगी, और ये फाइनली ये अभी ये वाले बजट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो अब जो डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल होगा. अभी जो डिविडेंड जो आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बैलेंस फंड में पैसा लगाया, सो फार आपको डिविडेंड जो आ रहा है वो टैक्स फ्री है. ठीक है, 1 अप्रैल से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा कोई भी इक्विटी फंड में, विच इज बैलेंस ऑल्सो इक्विटी फंड ऑल्सो, वहां पे आपको 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम लोग काट के, कोई भी म्यूचुअल फंड काट के आपको बैलेंस पैसे. आपके हाथ में जो डिविडेंड आएगा वो टैक्स फ्री होगा, बट फंड हाउस वो 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट के हम लोग को सरकार को देंगे, आपके हाथ में वो 10% कम आएगा. तो आप दरअसल क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड वो डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, वो आपको ग्रोथ प्लान में स्विच करना चाहिए. जैसे आप वो ग्रोथ प्लान में स्विच कीजिए, एक ट्रांजैक्शन स्लिप्स होती है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. अगर आपको पैसा रेगुलर चाहिए मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, तो वो ट्रांजैक्शन जो भी होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का जो फॉर्म होती है वो भर के आप दीजिए. अगर आप को 1 साल रुक के अगर कर सकते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा. अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो फिर आपको 1 साल वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, विच इज 15%. तो पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप वो डिविडेंड को आप ग्रोथ प्लान में स्विच कीजिए. 1 साल अगर रुक सकते तो जरूर रुकिए, उसके बाद 13th month से आपको मंथली चाहिए, आपको क्वार्टरली चाहिए, आपको हाफली चाहिए, आपको ईयरली चाहिए, जैसा चाहिए आप उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से करिए, और आपको बहुत सेविंग होगा. इट इज मच मच बेटर. लॉन्ग टर्म भी तो लगेगा ही ना, 10% तो फिर भी लगेगा. 10% लगेगा, बट जो लगेगा आप यूनिट्स जो बेचोगे उस पे लगेगा. हाँ, तो वो बहुत उसका एक
प्रिंसिपल रहेगा ना, जो आप एक साल के बाद करें, तो जो इनकम का पार्ट रहेगा उसका 10% सिर्फ वो कटेगा, जो आपका गेन है, हाँ, जो आपका गेन है उसका 10%, तो नेट इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। डिविडेंड के केस में अगर आपको 100 रुपए मिले तो उसमें सीधा 10 रुपए कट जाएगा, तो इसीलिए वो 100 रुपए के शेयर बेचे तो आपका प्रॉफिट, मान लीजिए कि आपको 70 रुपए के यूनिट पड़े थे, 30 रुपए प्रॉफिट आया तो सिर्फ 3 रुपए डिविडेंड, बिल्कुल सही। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी फाइन प्रिंट जो बताया रजत जी ने, दूसरी चीज जो है, जो डिविडेंड जो आती है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो फाइनली वो फंड सरप्लस क्रिएट करेगी तो डिविडेंड देगा। तो अगर मैं सोचता हूँ कि चलो मेरे को 10,000 रुपया डिविडेंड आ रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि उसको हर महीना 10,000 आएगा, क्योंकि वो फंड है उसके डिपेंड करेगा। यहाँ पे ग्रोथ में क्या होगा, अगर मुझे अगर 5,000 रुपये चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स मंथली, तो फंड हाउस आपको 5,000 के हिसाब से नेक्स्ट 10 साल के हिसाब से सिस्टमेटिक विड्रॉल करके दे देगा। हाँ, तो आपकी एनएवी हालांकि कम होगी, लेकिन ठीक है, ये एक बेहतर तरीका है, टैक्स एफिशिएंट तरीका है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आने वाले 3 या 4 साल कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं? देखिए, हम जो अभी बात कर रहे हैं एक्सेस सिक्योरिटीज में, हमको ऑटो और ऑटो एंसिलरी एक तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरी ज्यादा अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज में फायदा है कि ना केवल वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में उनको कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, बल्कि काफी सारे ऐसी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे ह्यूंडई जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो उनको भी सप्लाई करते हैं, तो वो बेनिफिट भी मिलता है। तो ऑटो एंसिलरीज काफी अच्छा कर रहा है और आगे कुछ सालों तक करता रहेगा, और उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। जो पहले सिर्फ आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट करते थे, ये अब ऑटो एंसिलरीज कंपनीज का भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दूसरा, इंफ्रा में हम बहुत बुलिश हैं, क्योंकि इंडिया में इतना पैसा अभी बजट में भी आपने देखा इंफ्रा में बहुत पैसा दिया जा रहा है, तो इंफ्रा में कई ऐसी कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट लाइट है, जो रोड्स बनाती हैं, और हाउसिंग सेक्टर हमको पसंद है, और हाउसिंग से रिलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी या होम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इंडिया में अभी कुछ करोड़ हाउसेस बनेंगे, अगले 1 साल में ही 1 करोड़ हाउस बनाने का अफोर्डेबल हाउसिंग में ही वो प्रावधान है। तो जितने भी ये, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो अभी ब्रिजेस, एयरपोर्ट, मेट्रो बनाएंगी, तो काफी सारी कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। और कंजम्पशन फाइनली, क्योंकि इंडिया में काफी बड़ा जो अभी चलेगी थीम वो कंजम्पशन थीम चलेगी, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये सब सेक्टर्स हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। जी, अगला सवाल इस तरफ से लेते हैं। किसी एक्सपर्ट ने बताया था कि जो अच्छा स्टॉक होता है तो 10 साल में 10 टाइम्स होता है एंड 30 ईयर्स में 1,000 टाइम्स होता है। तो सर, अगर मुझे 20 साल तक देखना ही नहीं है तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मल्टीबैगर आपको रोज नहीं मिल सकते। मल्टीबैगर तो ओवरऑल जब धीरे धीरे पता लगता है कि वो मल्टीबैगर हो गए, वो होने के बाद ही पता चलता है। हाँ, तो अभी नहीं पता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। तो 20 साल पहले किसी को नहीं पता था कि हीरो होंडा या एचडीएफसी बैंक या आइशर मोटर या पेज इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक मल्टीबैगर होने वाले हैं। हाँ। ये ओवर ए पीरियड, आप अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपने जो भी स्टॉक लिया उसमें से कोई एक मल्टीबैगर निकलेगा। बट आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होना चाहिए कि अगर आपको 15-16% अगर आपने 100 रुपीज इंडेक्स में किसी ने लगाया था और वो अभी 34,000 का इंडेक्स है, तो 340 गुना तो वो हो गया है। बट किसी को पता नहीं होता है कहां से वो मल्टीबैगर निकलेगा। आपको स्टडी करते रहना है, आपको फंड मैनेजर से बात करना है, आपको खुद एनालिसिस करना है। अब इंफोसिस भी किसी को नहीं पता था कि 94 में जब आया था वो डिवॉल्व हुआ था, लोगों को शेयर पूरे बिके नहीं थे। तो अगर प्रमोटर अच्छा है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, अगर एंट्री बैरियर नहीं है, अगर उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, तो वो मल्टीबैगर बनेगा। बट आज आपको अगर मुझसे पूछे कि मल्टीबैगर कौन बनेगा, वो पता नहीं है। बट कुछ थीम है, जैसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस एक अच्छी थीम है। इंडिया में अभी सिर्फ 0.77% जो है जनरल इंश्योरेंस में, और कुछ 2.5% जो है लाइफ इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन है। अगर इंडिया में लोग ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा साल तक जिएंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत पड़ेगा, तो ये एक थीम चलेगा। तो इसमें से आपको कुछ मल्टीबैगर मिल सकता है, बट आज की डेट में मैं आपको लिख के नहीं दे सकता कि ये मल्टीबैगर है। बट अच्छे शेयरों में आप लगाते रहिए, कोई ना कोई आपका मल्टीबैगर बन जाएगा। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी है, इसलिए कि जब 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, तो वो आपको लंबे समय में बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है। हमारे देश में एवरेज 15% अर्निंग्स ग्रोथ आप किसी भी अच्छी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। 15% ग्रोथ का क्या मतलब है कि 5 साल में शेयर डबल होना चाहिए, उसकी अर्निंग डबल हो जाएगी। पी सेम रही तो शेयर डबल, लेकिन जो 5 साल में डबल होता है वो 10 साल में 4 गुना होता है, 3 गुना नहीं होता।
और 15 साल में 8 गुना होता है, 20 साल में 16 गुना होता है। तो इसलिए आप जितना लंबा रुकते हैं, जो कि ठुकराल साहब भी कह रहे थे कि टेस्ट मैच ही खेलेगा इवेंचुअली, तभी पैसा बनेगा, बड़ी वेल्थ बनेगी टेस्ट मैच में। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको लंबे समय में ही आएगा। और कोई भी ये थीम जो बता रहे हैं आप पकड़िए, आपको जरूर इस तरह का रिटर्न मिलेगा ही। और एक कबीर दास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मने, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब मौसम आएगा 15-20 साल के बाद, तभी फल लगेगा। आज 100 पानी डालोगे, आज नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंतजार करना पड़ेगा। उधर तीसरी रो, पिछले 6 महीने से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। मेरा क्वेश्चन सर दो है। पहला क्वेश्चन है सर, जो कंपनी बायबैक करती है प्रीमियम पे, क्या सर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम सब बोल रहे हैं सर इंडिया पावर हंग्री कंट्री है, लेकिन सर पावर सेक्टर तो चल ही नहीं रहा है सर, तो वो कब चलेगा? पहले सवाल का जवाब बहुत सिंपल है कि ये पहले जो था डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता था, सर डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं था, लास्ट ईयर से डिविडेंड के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया। अगर आपका 10 लाख से ऊपर डिविडेंड है तो आपको 10% टैक्स देना है। तो बहुत सारे जो कंपनीज थी, जब प्रमोटर्स थे, उन्होंने बायबैक करना शुरू करा। तो आपने देखा पिछले कुछ महीनों से बायबैक हुआ है, क्योंकि उससे शेयर होल्डर को फायदा होता है। तो बायबैक जो कंपनी कर रही है वो कंपनी अच्छी है। उसका एक रीजन तो ये भी हो गया कि कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस कंपनी का जो शेयर, सपोज आज 700 रुपए का या 800 रुपए का, जैसे इंफोसिस का शेयर था, मैं 1150 में खरीद सकता हूं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो एक तो वो अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी अच्छी है। बट सिर्फ एक यही रीजन नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी बायबैक कर रही है आपको वो खरीदना है। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, पावर हंगरी, ये सवाल मुझे पूरा समझ में नहीं आया। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो पावर सेक्टर है उसकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो अलग चीज है। पावर अभी धीरे धीरे, पावर में भी बहुत सारी चीजें हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर जनरेशन है और पावर ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन की कुछ कंपनी, जैसे अगर आप देखें तो पावर ग्रिड अच्छा कर रही है। तो जनरेशन वाली कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्होंने जो एक्सपेंशन किया, जो डेट लिए, वो बहुत सारा अलग अलग, ये लंबा एक चैप्टर है, वो अलग से हम ऑफलाइन आपसे डिस्कस कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये सवाल आपके मन में है, ये बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में पढ़िए। और तीनों तरह का जो पावर, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। और इसके साथ ही बहुत सारे इक्विपमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, जो कि सप्लाई करते हैं। तो देखने वाली बात है कि किसका पैसा बन रहा है इस पूरे सप्लाई चेन में। जो कंपनी मुनाफा कमा रही है उनको फायदा हुआ है। और एक ही प्रॉब्लम है पावर सेक्टर में हमारे देश में, वो ये कि लास्ट माइल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में रिफॉर्म नहीं हुए हैं। अभी भी ग्राउंड लेवल पे बिजली की चोरी होती है, मीटरिंग बराबर से नहीं होती, पैसे नहीं आते, और इस वजह से बिजली है लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो बिजली लेने को, खरीदने को और सप्लाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हर यूनिट जो सप्लाई करते हैं उस पर लॉस होता है। तो उनको लगता है कि थोड़ी कम सप्लाई करें तो लॉस कम होगा। चलिए, काफी सारे सवालों के जवाब हमने लिए, मेरे ख्याल से अब वक्त नहीं है हमारे पास, इजाजत लेनी होगी। अहमदाबाद के दर्शकों से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने और इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछने के लिए, और हमारे एक्सपर्ट्स का भी, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठुकराल साहब और रजत जी, आप हमारे साथ जुड़े और इन सवालों के जवाब दिए। तो हमारा फिलहाल आज का ये सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन आपसे मुलाकात होगी किसी और शहर में, वहां के दर्शकों के साथ। नमस्कार।